माल्यार्पण प्रधान जी मूर्ति का मुख खुलवा कर माल्यार्पण कीजिए। माल्यार्पण विधायक जी की तरफ से बाबा बुद्ध भगवान के लिए, बाबा साहब को माल्यार्पण, श्री संत शिरोमणि रविदास जी को माल्यार्पण विधायक जी की तरफ से। माला पहना करके स्वागत करें। माननीय श्री श्री ललन चौबे जी से मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण करके आज दबे कुचले असहाय समाज को अगर किसी ने रास्ता दिखाया उसमें इन तीनों महापुरुषों के का अहम रोल रहा है। आज जो आपके समाज को स्थान मिला है उसमें भी इन महापुरुषों का स्थान रहा है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जी किस समाज से। गौतम बुद्ध जी बहुत बड़े राजा के बेटे और क्षत्रिय समाज के, लेकिन उनका उद्देश्य जो था समाज को लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाह रहे थे, इसलिए वो राज गद्दी छोड़ करके समाज की सेवा में लगे। हमेशा समाज को संदेश दिए कि सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। हम दबे कुचले असहाय लोगों का कैसे भला कर सके। आज आप लोगों ने हमारे प्रधान जी जिनके पूरे भाइयों में मिल करके सभी आयोजक भाइयों में मिल करके जो कार्यक्रम किया है, वास्तव में इस कार्यक्रम से आने के बाद यहाँ की एक अलग चीजें दिख रही है। हम कई जगह रविदास जयंती के कार्यक्रम में गए तो हमने यहाँ का उल्लेख भी किया कि ऐसा ही कार्यक्रम ऐसी ही मूर्तियां हमारे हर गांव सभा में लगनी चाहिए, ताकि समाज हर समाज के लोग भी इनसे कुछ सीखे। इन महान पुरुषों का योगदान देश और समाज के लिए बहुत रहा है। ऐसे शख्सियत को हम बार बार प्रणाम करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, और अपने प्रधान जी को और बाकी सभी आयोजक भाइयों को जो भी हमारे इसमें भाई सहयोग दे रहे हैं, सब लोगों को विशेष मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो एक जिले में उदाहरण होना चाहिए, और हमें लगता है कि हम लोग भी मिल करके आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों के आशीर्वाद का ही मैं कामना करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का भी समय है। हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद, आप सब लोगों का सहयोग अपने इस बेटे अपने इस भाई सुशील सिंह को मिले। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि दबे कुचले असहाय लोगों के विकास के लिए आपको जब भी जरूरत पड़ेगी सुशील सिंह आपके साथ तन मन धन के साथ आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत